एक बार की बात है, भरतपुर नाम के गांव में लोग बड़ी ही हंसी खुशी रह रहे थे। होली का त्योहार नजदीक ही था, तो बस सब उसी की तैयारियों में व्यस्त थे। उसी गांव में एक परिवार रहता था जिसमें किशन, उसकी पत्नी लता और उनकी बेटी आरती भी रहते थे। किशन की एक छोटी सी किराने की दुकान थी, पर क्योंकि होली आने वाली थी तो उसने अपनी दुकान के आगे गुलाल, रंग, पिचकारी और सारा होली का सामान रखा हुआ था। किशन की उन दिनों काफी अच्छी दुकानदारी हो रही थी। उन दिनों वो थोड़ा लेट ही घर आता था, पर एक दिन तो उसे आते आते रात के करीब 12 बज गए थे। आज तो बहुत ही लेट हो गया, अब बच्चे तो मुझसे बहुत ही गुस्सा हो जाएंगे। उन्होंने बोला था कि आज जल्दी आ जाना, अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, बच्चों के लिए गुलाल और गुब्बारे ले चलता हूं, बच्चे खुश हो जाएंगे। बस फिर किशन बच्चों के लिए गुलाल और गुब्बारे रख लेता है। उसके बाद वो खेतों की तरफ से घर आने लगता है ताकि वो जल्दी घर पहुंच सके। रास्ते में उसे एक चौराहा मिलता है। उस चौराहे पर एक मटका, गुलाल, एक काली गुड़िया और बड़ी अजीब अजीब सी चीजें रखी होती हैं। किशन उस पर ध्यान नहीं देता और उसके ऊपर से निकल जाता है। किशन का पैर सीधा उस गुड़िया के ऊपर पड़ता है। किशन तो आगे निकल जाता है, पर उस गुड़िया से एक अजीब सा धुआं निकलता है। धुआं उठने के बाद उसमें से एक चुड़ैल निकल कर आती है। मैं आजाद हो गई, मैं आजाद हो गई। चुड़ैल उस गुड़िया से आजाद होकर बड़ी खुश हो रही होती है। फिर उसे अपने सामने किशन जाता हुआ दिखता है, जिसके हाथ में गुलाल की थैली होती है। गुलाल, रंग, अरे वाह, मजा आ गया, इस बार मैं भी होली खेलूंगी। चुड़ैल रंग गुलाल देखकर बड़ी ही खुश हो जाती है। वो चुपके से किशन की थैली से सारा गुलाल निकाल लेती है। फिर वो उसको खोलकर हवा में पागलों की तरह उड़ाने लगती है। उसके बाद वो बचा हुआ गुलाल अपने मुंह पर मल लेती है। होली होली, मैं मनाऊंगी अब होली। उस रात चुड़ैल अपने मुंह पर रंग गुलाल लगाकर किशन के पीछे पीछे लग जाती है। जब किशन घर पहुंचता है तो वो भी उसके घर तक आ जाती है। अब घर पहुंचकर किशन थैली में से बच्चों को गुलाल निकाल कर देने लगता है, तो उसे थैली में कुछ मिलता ही नहीं है। अरे, मैंने तो खुद अपने हाथों से इस थैली में गुलाल रखा था, कहाँ चला गया? अरे, क्या पता कहीं रास्ते में गिर गया हो। किशन और उसका परिवार सो जाता है और रात को चुड़ैल उसके ही घर में घुसी होती है। वहाँ उसको रसोई में बहुत सारी गुजिया रखी हुई मिलती है। अरे वाह, गुजिया, वो भी इतनी सारी, मेरे तो मजे ही आ गए, अब तो मैं ये सारी गुजिया खाऊंगी। चुड़ैल फिर एक गुजिया उठाकर खाने लगती है। उसे वो गुजिया इतनी स्वादिष्ट लगती है कि वो गपा गप सारी की सारी गुजिया खा जाती है। बहुत ही स्वादिष्ट थी ये तो, मेरा तो पेट भर गया, अब तो मैं किसी पेड़ पर जाकर आराम से सोऊंगी। सुबह जब लता रसोई में आती है तो उसे वहाँ एक भी गुजिया नहीं मिलती। वो तो बड़ी हैरान होती है। अरे, अभी रात को ही तो यहाँ ढेर सारी गुजिया रखी थी, यहाँ तो एक भी गुजिया दिखाई नहीं दे रही, आखिर सारी की सारी गुजिया गई कहाँ? लता गुस्से में बच्चों को आवाज देती है। बच्चों, इधर आओ, सच सच बताओ ये गुजिया किसने खाई? मैंने तो एक गुजिया भी नहीं खाई मम्मी, सच्ची। सबको बड़ी हैरानी होती है, पर वो कर भी क्या सकते थे। लता अब छत पर जाकर कचरी और पापड़ बनाने लगती है। चुड़ैल भी वही छत पर बैठी लता को देख रही होती है। अरे वाह, आज तो मुझे कचरी और पापड़ खाने को मिलेंगे, मजा आएगा। लता पूरे दिन कचरी और पापड़ बनाती है और उसे शाम तक धूप में सुखाने के बाद उनको तल कर डब्बों में भर देती है। बच्चे जब उससे पापड़ मांगते हैं तो वो उनको डांट देती है और एक भी पापड़ नहीं देती। वो डिब्बों को बच्चों से छुपा कर रख देती है, पर चुड़ैल को तो सब पता होता है कि डब्बे कहाँ रखे हैं। और वो सबके सोने के बाद फिर से रसोई में आती है और सारे डब्बे निकाल कर बैठ जाती है। इसने कैसे सोच लिया कि ये डिब्बे छुप सकते हैं, वो भी मेरी नजरों से। कभी नहीं, मैं अभी आकर देखती हूँ कि आखिर ये बने कैसे हैं। बस फिर चुड़ैल कचरी और पापड़ खाना शुरू कर देती है। उसे तो वो भी इतने स्वाद लगते हैं कि थोड़ी सी देर में वो उनको भी सफा चट कर देती है और फिर से जाकर पेड़ पर सो जाती है। अब अगले दिन जब लता रसोई में जाती है तो उसे वो डिब्बे खाली रखे हुए मिलते हैं। हे भगवान, ये डिब्बे तो पापड़ और कचरी के हैं, इसमें से पापड़ और कचरी कहाँ गए? आखिर कौन यहाँ आकर सब खा रहा है? लता फिर बच्चों से पूछती है और उन्हें खूब डांटती है, पर बच्चे बार बार यही बोलते हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि कचरी और पापड़ रखे कहाँ हैं। लता अब तो बिल्कुल परेशान होकर बैठ जाती है। रात को चुड़ैल रसोई में रखी चीजें खा जाती और पूरा दिन वो किशन के साथ बाहर घूमती या दुकान पर रहकर वहाँ काम करती रहती। कितनी बार लोग किशन को देखते कि किशन अपने मुंह पर रंग लगाकर क्यों बैठा है।
पर दरअसल वो चुड़ैल होती है जो उसके शरीर में दिन के वक्त कब्जा करके रखती है। उसे खाने पीने और होली का बड़ा ही शौक होता है। अब एक दिन किशन अपने भैया भाभी के घर होली देने जाता है। अब फिर से चुड़ैल उसके पीछे पीछे लग जाती है और उसके भाई के घर तक भी पहुंच जाती है। किशन जैसे ही वहां पहुंचता है तो उसकी भाभी उसके लिए खूब सारा खाने का सामान टेबल पर रख देती है। उसमें ढेर सारी खाने की चीजें और मिठाई ही मिठाई होती है। पास में गुलाल और रंग भी रखा होता है। चुड़ैल तो ये सब देख कर पागल सी हो जाती है। वो तुरंत किशन के शरीर में प्रवेश करती है और अपने मुंह पर रंग मलने लगती है। अरे तू ये क्या कर रहा है? मुझे होली खेलनी है। सारा रंग अपने मुंह पर लगाने के बाद किशन के अंदर की चुड़ैल खाना शुरू कर देती है। वो एक के बाद एक मिठाई खाना शुरू कर देती है। किशन के भैया भाभी उसे देख एकदम भौचक के रह जाते हैं। अरे भैया आप आराम से खाओ ना, जल्दी क्या है? अजी मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, भैया कितनी अजीब आवाज में बोल रहे हैं, पहले जब आए थे तो ठीक थे। किशन सारा कुछ खाकर खत्म कर देता है और बिना कुछ बोले वहां से चल देता है। उसके भैया भाभी भी डर के मारे कुछ नहीं बोलते। ये बात हमें लता को बतानी होगी। किशन का बड़ा भाई उसके पीछे पीछे जाता है। पूरे रास्ते वो उसके ऊपर नजर रखता है। किशन रास्ते में रुककर कुछ लोगों को देखने लगता है जो होली खेल रहे होते हैं और फिर उनके साथ पागलों की तरह होली खेलने लगता है। किशन के भाई को कुछ समझ नहीं आता। वो जल्दी से उसके घर पहुंचता है और लता को सारी बात बताता है। भैया वो यहाँ भी अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं, बच्चों को खेलने नहीं देते और उनके गुब्बारे खुद मारने लगते हैं, सारा गुलाल और रंग खुद पर मलने लगते हैं। किशन पर किसी भूत चुड़ैल का वास है, हमें इसे कहीं दिखाना होगा जल्दी, वरना एक बार होलिका दहन हो गया तो इससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। बस जैसे ही किशन घर आता है वो उससे पहले एक तांत्रिक को घर बुला कर रखते हैं जो घर में सारी तैयारी करके रखता है। ये सब क्या है, ये किसने किया, कौन है तू? तू बता तू कौन है और यहाँ इस घर में कैसे पहुँची, आखिर तूने इसके शरीर पर कब्जा क्यों किया? ये सुनकर चुड़ैल किशन के शरीर से बाहर आ जाती है। अब तुझे पता चल ही गया है तो तुझसे क्या छुपना। मुझे तो इस किशन ने आजाद किया तो अब तो मैं इसी के साथ रहूंगी। इसने तुझे आजाद किया? हाँ, मुझे तो कैद कर दिया उस गुड़िया में और छोड़ दिया था चौराहे पर किशन ने मुझ पर पैर रखा और मैं आजाद हो गई। मैंने कितनी बार बोला था इनको कि चौराहों से देख कर निकला करो, पर ये तो मेरी सुन। कोई नहीं, अब मैं इसका इलाज करूंगा, बता तू क्या चाहती है? मुझे तो होली खेलनी है, बस होली खेल कर मैं चली जाऊंगी। होली खेलनी है? तुझे होली से इतना प्यार क्यों है? मुझे होली बड़ी पसंद थी पर मैं बहुत गरीब थी, कभी ना होली पर पकवान देखे और ना रंग गुलाल, ऐसे ही गरीबी में बड़े हो गए और फिर एक होली पर बहुत बीमार होने की वजह से मेरी मौत हो गई। मैं फिर एक लड़की के शरीर में रहने लगी और उन्होंने भी एक गुड़िया में बंद करके चौराहे पर छोड़ दिया। फिर जब किशन ने उस गुड़िया पर पैर रखा तो मैं आजाद हो गई। पर तू ये ठीक नहीं कर रही, तू अब चली जाए इसे छोड़कर, ये तेरा घर नहीं है और ये तेरा शरीर नहीं है। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी, होली मनाऊंगी। तेरी होली खेलने की इच्छा को मैं पूरी करवाऊंगा, पर तू वादा कर कि उसके बाद तू यहाँ से चली जाएगी हमेशा के लिए। ठीक है, पर मुझे इस बार नहीं बल्कि हर बार होली खेलनी है, तू मुझे कैद नहीं करेगा, बस हर साल मैं आऊंगी, होली खेलूंगी इन लोगों के साथ। अगर तुम हमें कोई नुकसान पहुंचाए बिना हमारे साथ होली खेलोगी और बस खा पी कर चली जाओगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं, पर तुम कभी किसी के साथ बुरा नहीं करोगी? नहीं करूंगी, बस मुझे होली खेलनी है, पकवान खाने हैं। चुड़ैल की बात को लता मान जाती है और अगले दिन होली पर सब खूब होली खेलते हैं। चुड़ैल की वो पहली होली होती है। इतने सारे रंग, इतना सारा गुलाल, पिचकारी, गुब्बारे और ढेर सारे पकवान। चुड़ैल ये सब देखकर बड़ी ही खुश होती है। वो लता, किशन और बच्चों के साथ खूब होली खेलती है। ये मेरी पहली होली है, आज मैं बहुत खुश हूँ। बस तुम चुपके से मेरी गुजिया और कचरी मत खा जाना। हाँ। नहीं नहीं, मैं सबके साथ ही खाऊंगी। सब लोग हंसने लगते हैं। चुड़ैल की होली खेलने की इच्छा पूरी हो ही जाती है। फिर वो हर साल आती है और किशन, लता और बच्चों के साथ होली खेलकर चली जाती है।